जांजगीर चांपा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर कशमकश जारी है। भाजपा ने लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मौका दिया है। इसके बाद कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस को भी नए चेहरे और स्थानीय प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहिए। फिलहाल पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नाम के साथ ही अमृत सोनहर, साक्षी युगल बंजारे, रमेश पैगवार, राइस किंग के नाम की चर्चा है। इसमें शिव डहरिया लोकसभा क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं। चर्चा है जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में इस चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है। सबसे खास बात है कि 2009 में शिव डहरिया जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें 87,211 वोटों से करारी हार मिल चुकी है। यही वजह है कि क्षेत्र के साथ ही कांग्रेस संगठन में स्थानीय प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है और अंदरखाने से बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेसियों के साथ ही आम लोगों में चर्चा है कि जो पार्टी स्थानीय को प्रत्याशी बनाएगी उन्हें ज्यादा लाभ होगा। बीजेपी के द्वारा स्थानीय प्रत्याशी उतारने के बाद इस बात को और भी बल मिल गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशी पर दांव लगाती है कि बाहरी प्रत्याशी को मौका देती है।